सर पर पल्ला करते हैं और वो बार बार खिसकता है। तो ये वीडियो खास आप ही के लिए बना है और जो ये क्लिप देख रहे हैं वो बिल्कुल ही रॉन्ग है। आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ सर पर पल्ला करने के 5 बेहतरीन तरीके। तो देर न करते वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हे गाइस, व्हाट्स अप, दिस इज श्रुति सिंह, वेलकम बैक टू माय चैनल क्रिएटिव श्रुति स्टाइल। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। स्टाइल नंबर 1, सबसे पहले हम अपने पल्ले को ओपन ही अपने शोल्डर पर रखेंगे और इसको पीछे पिन न लगाते हुए हम इसको यहाँ पे एक पिन से आगे की तरफ सिक्योर कर देंगे। पिन लगाने के बाद अब हम पल्ले को हम नीचे से पकड़ेंगे और उसके बाद हम इसकी प्लेट्स बनाना स्टार्ट करेंगे। प्लेट्स बनाने के बाद हम यहाँ पे इसको नीचे से सेट करेंगे। सबसे पहले सेट करने के लिए इसको अच्छे से आप मूव कर दें, उसके बाद अपनी प्लेट करने के बाद इसको हम एक एक करके पकड़ेंगे और उसके बाद अपने शोल्डर पर इसको रखेंगे। रखने से पहले यहाँ पर हमने जो ऊपर वाले बॉर्डर में पिन से सिक्योर किया था, इसको बहुत से लोग एक गलती करते हैं, अंदर की तरफ ही इसको दबा देते हैं, जिससे हम सर पे पल्ला जब रखते हैं तो यहाँ पे ये खिंचता है। तो हमें ऐसा नहीं करना है। इसके लिए हमें ये अंदर पल्ले बॉर्डर को ऊपर की साइड में निकालेंगे और उसके बाद हम पिन से इसको शोल्डर पर सिक्योर कर देंगे। ये हमने क्यों किया है, ये हम आगे अपने पल्ले को सर पे रखेंगे, उसके बाद आपको खुद ही पता चल जाएगा। सर पे रखने के बाद यहाँ पे जो हमने ऊपर की साइड में बॉर्डर को निकाला था, ये हमारे शोल्डर पर ज़्यादा खींचेगा नहीं और अगर आप सर पे पल्ला रखेंगे तो वैसा का वैसा ही बना रहेगा। तो आई होप ये ट्रिक आपको पसंद आएगी। चलिए चलते हैं अपने सेकंड ट्रिक की तरफ। सेकंड ट्रिक के लिए हमने यहाँ पे प्लेट सारी कंप्लीट कर ली है। उसके बाद यहाँ पे हमने जो अंदर वाली प्लेट थी उसको हमने थोड़ा सा लूज़ किया है। लूज़ करने के बाद यहाँ पर हम करीब आधी प्लेट ऊपर तक ही हम छोड़ देंगे। उसके बाद हम सारी प्लेट्स को एक साथ पकड़ते हुए अपने शोल्डर पर टाइट करते हुए रखेंगे और यहाँ पे एक पिन से इसको सिक्योर कर देंगे। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं ऊपर से जो बॉर्डर था उसको हमने ऊपर की साइड में ही निकाल लिया है। अब हम यहाँ पे अपने सर पे इसको रखकर आपको दिखाएंगे। आप जैसे ही इसको सर पे रखेंगे तो ये हमारा पल्ला वैसे ही रहेगा। सर पे पल्ला रखने के बाद सबसे पहले अपने पल्ले को अपने हाथ पे रख लें, उसके बाद में यहाँ पे जो हमने बॉर्डर सेट किया था बॉर्डर को हम डबल क्रॉस करेंगे। इसे हम पीछे से आगे लाकर अपने अंदर वाले बॉर्डर के साथ में मर्ज करेंगे और सारी प्लेट्स को सेट करते हुए यहाँ पे हम एक पिन से इसको सिक्योर कर। ट्रिक भी पसंद आई होगी। चलिए चलते हैं अपने थर्ड ट्रिक की तरफ। थर्ड ट्रिक के लिए यहाँ पे मैंने सारी प्लेट्स को कंप्लीट कर रखा है। उसके बाद में जो हमारी फर्स्ट प्लेट होती है इसको हम पूरा ऊपर की साइड में निकाल देंगे और उसके बाद में बाकी प्लेट्स को सेट करेंगे। सेट करने के बाद यहाँ पे आप अपने शोल्डर पर पल्ले को टाइट करते हुए रखेंगे और उसके बाद में सारी प्लेट्स को एक पिन से अपने ब्लाउज के साथ अटैच कर देंगे। पिनअप करने के बाद यहाँ पे जो हमारी अंदर वाली प्लेट थी ये लूज़ हो जाएगी। तो उसके लिए यहाँ पे हम पल्ले को टाइट करेंगे और इसका बॉर्डर अपने ब्लाउज के साथ एक पिन से सिक्योर कर देंगे, जिससे हमारी अंदर वाली प्लेट टाइट रहे। अब हम पल्ले को सर पर एडजस्ट करेंगे। ये उन लोग के लिए भी अच्छा है जो अपनी नेक कवर करके सर पर पल्ला करना चाहते हैं और उन लोग के लिए भी अच्छा है जो अपनी ज्वेलरी को शो करना चाहते हैं। तो आप जैसे भी चाहें उसके अकॉर्डिंग अपना पल्ले को सेट कर सकते हैं। अगर आप नेक कवर करना चाहते हैं तो इसको टाइट रख और अगर ज्वेलरी शो करना चाहते हैं तो उसको लूज़ रख दें। उसके बाद हम आगे की पल्ले को सेट करने के लिए यहाँ पे हम पल्ले को आगे लेके आएंगे और इसकी प्लेट्स बनाना स्टार्ट करेंगे। प्लेट्स आपको नॉर्मली छोटी छोटी ही बनानी है। एक साइड में सेट करने के बाद हम दूसरी साइड में लेके आएंगे और नीचे तक सारी प्लेट्स को सेट कर लेंगे।
आपको अपने बॉर्डर को मेंशन करते हुए सारी प्लेट्स को सेट करना है। नीचे तक हम सारी प्लेट्स को सेट करेंगे और उसके बाद में अपने बॉर्डर को पूरा ऊपर तक शो होने देंगे। इसके बाद हम अपने शोल्डर पर सारी प्लेट्स को रखते हुए नीचे तक दोबारा से प्लेट्स को सेट कर लें। अगर आपका पल्ला zigzag वे में आता है तो उससे भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, उससे ये ड्रेपिंग बहुत ही अच्छी लगने वाली है। उसके बाद यहाँ पे हम एक पिन से इसको सिक्योर कर देंगे। अब हम प्लेट्स को उतना ही रखेंगे जितना हमें पीछे का गैपिंग अच्छे से मिल जाए, जिससे हमारे सर पे पूरा पल्ला फिक्स हो जाए। तो उसको हमने देख लिया है। उसके बाद में यहाँ पे हम एक पिन से अपने ब्लाउज के साथ इन सारी प्लेट्स को अटैच कर देंगे। अटैच करने के बाद जो हमारी प्लेट्स वाला बॉर्डर था उसको हम ब्लाउज के साथ भी एक पिन से सिक्योर कर देंगे। उसके बाद में हम सर पे पल्ला रख कर देखेंगे कि हमारा पल्ला बराबर आता है या नहीं। तो ये हमारा पल्ला बिल्कुल ही अच्छी तरीके से आ गया है। अगर आप इसको कवर करना चाहते हैं तो कवर कर लीजिए, अगर ओपन रखना चाहते हैं तो आप ओपन रख सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने अपनी चॉइस से इसको ओपन ही रखा है। उसके बाद में हम आप पल्ले की प्लेट्स को दोबारा से ओपन करेंगे और यहाँ पे हम दोबारा से एक पिन से नीचे वाले बॉर्डर के साथ सिक्योर कर देंगे। तो लीजिए, ये वाली हमारी ड्रेपिंग पूरी कंप्लीट हो चुकी है, जिससे हमारी ज्वेलरी भी पूरी शो हो रही है और हमारे दोनों हाथ भी फ्री हैं, जिससे आप टेंशन फ्री कोई भी काम कर सकते हैं। तो चलिए चलते हैं अपने नेक्स्ट ट्रिक की तरफ। इस ट्रिक के लिए यहाँ पे मैंने पल्ले को राइट हैंड साइड की तरफ रखा है और उसके ऊपर वाले कॉर्नर को ऊपर वाला बॉर्डर है ये हमारा थोड़ा लूज रहेगा, तो इसके लिए यहाँ पे हम सबसे पहले पिन से ब्लाउज के साथ इसको अटैच कर देंगे। अब हम सारी प्लेट्स को एक बार फिर से सेट कर लेंगे, नीचे तक ये हमारे पूरा बॉर्डर आगे की तरफ शो होने लगे। तो सेट करने के बाद यहाँ हम बॉर्डर को पीछे की साइड से जो हमने टक किया था इसको हम ओपन करेंगे और सेट करते हुए यहाँ पे हम कमर पे इसको एक पिन से सिक्योर कर देंगे, जिससे ये बार बार लूज ना हो। तो यहाँ पे मैंने सिक्योर कर दिया। अपने सर पे पल्ला रखेंगे और उसको रख कर देखेंगे कि कितना हमारा आ रहा है। तो यहाँ पे देखिए पल्ला हमारा पूरा बराबर आ रहा है और पल्ले की अंदर वाली प्लेट्स को ब्लाउज के साथ टक कर देंगे, जिससे ये हमारे साइड से देखने में बेकार ना लगे। तो ये हमारे भी ट्रिक कम्प्लीट हो चुकी है। आई होप आपको अब तक की ड्रेपिंग सारी पसंद आई होंगी। चलिए चलते हैं नेक्स्ट नंबर 5 की तरफ। इसके लिए भी यहाँ पे मैंने पल्ले को राइट हैंड साइड की तरफ रखा है और इसके कॉर्नर को अपने लेफ्ट हैंड साइड वाले शोल्डर पर एक पिन से सिक्योर किया है। सिक्योर करने के बाद यहाँ पे हम अपने बॉर्डर को zigzag वे में सेट करेंगे। उसके लिए पल्ले को ओपन करेंगे और उसके बाद में नीचे वाले बॉर्डर को पकड़ेंगे और इसकी प्लेट्स बनाना स्टार्ट करेंगे। प्लेट्स हमें zigzag वे में बनानी है, ऊपर छोटा और नीचे वाली प्लेट्स को हम बड़ा रखेंगे। इसी तरीके से सेट करने के बाद यहाँ पे हम ऊपर वाली की तरफ कॉर्नर पे हम इसको पकड़ लेंगे और बाकी की नीचे वाली
पिन से दोबारा पिन अप कर देंगे। अप करने के बाद यहाँ पे अपने पल्ले को सर पर रखेंगे और पल्ला हमारा बराबर रहे इसके लिए अपने राइट हैंड साइड की तरफ जो हमारी प्लेट्स थी उसको हम अंदर की तरफ एक पिन से सिक्योर कर देंगे। अपने कमर वाले बॉर्डर को सेट करेंगे। कुछ लोग ऊपर की तरफ इसको लगाते हैं तो ये नहीं लगाना है, इसको हमें कमर पे ही नीचे की साइड में ही लगाना है। तो यहाँ पे मैंने पिन से सिक्योर कर दिया है। हम अपने सर पे पल्ला इसको रखेंगे तो ये हमारा बिल्कुल ही बराबर आ रहा है। इसको आप ऐसे ही छोड़ने के लिए एक काम कर सकते हैं, यहाँ पे हम एक पिन से इसको लेफ्ट हैंड साइड की तरफ इसको सिक्योर कर देंगे तो ये हमारा बिल्कुल ही वैसे ही बना रहेगा, आपके दोनों हाथ फ्री भी रहेंगे। उम्मीद करती हूँ आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा, तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताएं और वीडियो को लाइक शेयर चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। तो चलिए मिलते हैं आपको अपने नेक्स्ट वीडियो में कुछ न्यू ड्रेपिंग के साथ। तब के लिए बाय बाय, लव यू, टेक केयर, और आप अपना ऐसे ही प्यार मुझे देते रहें। धन्यवाद।